हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, ये है R15 V4M न्यू अपडेटेड 2023 मॉडल। इसमें आपको क्या क्या अपडेट मिलता है इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो बेसिकली इसमें आपको अब E20 इंजन मिल जाता है, E20 पेट्रोल जो के साथ आने वाला जो इंजन है वो मिल जाता है, और BS6 फेज 2 के साथ ही अपडेट आ चुका है। इसमें OBD सेंसर एड ऑन किया गया है। यहाँ पर फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर, आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले भी मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो इसमें एक LED इंडिकेटर भी एड ऑन किया गया है, और जो TFT डिस्प्ले के मैंने बात किया वो एड ऑन किया गया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू मीना मोटर, फुलवाड़ी शरीफ, एम्स रोड। आप कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हैं, बाइक खरीदने से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिंक कर दूंगा, इसका लोकेशन भी आप वहां से परचेस कर सकते हैं। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइक की प्राइस की बात करें तो हमारे फुलवाड़ी शरीफ पटना में इसका 233,384 रुपया ऑन रोड प्राइस इसका पड़ता है। और ये आप लुक देख सकते हैं कितनी अपीलिंग और शानदार लुक मिल रहा है यहाँ पास आपको। जैसे यहाँ फ्रंट से स्टार्ट करें तो हमें नीचे में यहाँ पास LED ब्लिंकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पास आपको LED हेडलाइट्स सेटअप मिल जाता है, यहाँ पास सिल्वर कलर का ये पूरी बाइक है। ये फेयरिंग फ्रंट फेयरिंग है, यहाँ पास आपको सिल्वर कलर का ये वाइजर मिल जाता है, यहाँ पास एयर सील प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये एडजस्टेबल मिरर आप देख सकते हैं, और यही है LED जो हेडलैम्प है वो आपका हाई बीम और लो बीम का भी काम करेगा। और नीचे में आप देख सकते हैं, इधर साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर का एलॉय व्हील का सेटअप भी मिल जाता है। और इसमें हम टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको 180 और 17 सेक्शन की इसमें ट्यूबलेस टायर MRF का मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छा ग्रिफिंग प्रोवाइड करेगा आपको। और आपको यहाँ पास बाइबेर का यहाँ पास जो ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग करता है। और नीचे इसका डिस्क प्लेट देखें, इसमें 288 mm का आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, और ये आपका ABS प्लेट हो गया। और यहाँ पास आपको अपसाइड फोक्स भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी अपीलिंग कलर के साथ, यहाँ पास गोल्डन कलर के साथ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये आप देख सकते हैं साइड से फेयरिंग आपका, ये यहाँ पास LED इंडिकेटर देख रहे हैं। और इंजन की इसमें हम बात करें तो 155 cc का लिक्विड कूल इंजन, 4-stroke SOCH 4-valve सिंगल सिलेंडर इंजन इसमें मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम पावर हमें 18.4 PS का 10,000 RPM पर मिलता है। और मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 14.2 Nm का इसमें 7,500 RPM पर मिल जाता है। और ऊपर से आप यहां पर देख सकते हैं ये कलर कितना अपीलिंग देखने में लगता है, सिल्वर और ब्लैक के साथ यहां पास ब्लू कलर का ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाता है। यहां पास 3D में R15 का लोगो, और यहां पास देख रहे हैं यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, इसमें बेसिकली आप कनेक्ट भी हो सकते हैं डिस्प्ले और फ़ोन के साथ। फिर हम इसमें बात करें तो 220 mm का पीछे में हमें रियर डिस्क भी मिल जाता है, देख रहे हैं डुअल चैनल ABS मिलता है इसमें आपको ब्रेकिंग काफ़ी इंप्रूव करने के लिए। ये आपका डिस्क प्लेट हुआ, और ये आपका जो ABS का प्लेट हो गया वो हो गया, तो ब्रेकिंग आपको इसमें काफ़ी इंप्रेसिव मिलेगी। तो ये पीछे से मैं आपको लुक दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे से भी ये बाइक जो है वो काफ़ी अपीलिंग लगती है। तो चलिए मैं इसको फिर आप दिखाता हूँ आगे का कंसोल मीटर और स्विचेस वगैरह इसमें हमें क्या क्या मिल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा चाबी हो गया, और ये यहाँ पास आपको फुल्ली डिजिटल TFT कलरफुल कंसोल मीटर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हैंडल बार से, ये आपका क्लच लीवर हो गया,
और जो भी यहाँ से ऑडोमीटर टिप वगैरह आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये आपका बेसिकली इंडिकेटर हो गया, देख रहे हैं इसमें आपको हजार्ड लाइट का भी स्विच मिल जाता है। ये आपका हॉर्न हो गया, सुन सकते हैं, यहाँ पास आपको हजार्ड लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, देख रहे हैं ये हजार्ड लाइट यहाँ पास देख रहे हैं, हजार्ड लाइट ऑन हो गया। इसको फिलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये आपका इंजन किल स्विच और स्टार्ट का बटन हो गया। और फाइनली फिर हम यहाँ पास बात करें तो यहाँ पास ABS देख रहे हैं, ABS ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पास न्यूट्रल का, यहाँ पास आपको न्यूट्रल का भी इंडिकेटर मिल जाता है। और यहाँ पास न्यूट्रल यहाँ पास डिस्प्ले में आपको शो भी करता है, यहाँ पास टाइमिंग भी शो कर रहा है। और ये आपका लैप्स वगैरह, ये का बेसिकली आपको जब ट्रैक पे रहेंगे वहाँ पास जब रेसिंग चलता है वहाँ पास टाइमिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको चेंज करके दिखा दे रहे हैं, ये आपका ये हो गया, और ये हो गया आपका RPM मीटर देख रहे हैं। यहाँ पास क्या स्पीड पे आपकी बाइक चल रही है, ये यहाँ पास फ्यूल गेज मीटर हो गया, यहाँ पास एवरेज स्पीड और किलोमीटर यहाँ पास आपका शो करेगा। ये हो गया ऑडो मीटर, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम आपको दिखा दें ट्रिप वन, और ये हो गया ट्रिप टू, और ये हो गया ऑडो कितना टोटल आपकी बाइक चल चुकी है वो यहाँ पास शो करता है। और यहाँ पास LED ब्लिंकर, जब हाई RPM में आपकी बाइक जो जाती है तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये एक तरह का सेफ्टी फीचर भी है हमारा। और इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करें तो जिस हिसाब से इसका 155 cc का इंजन है उस हिसाब से आपकी टॉप स्पीड इसमें काफ़ी इंप्रेसिव है। 250 एबव इसमें स्पीड आपको देखने को मिलता है। बेसिकली आपको जो भी बाइक जितनी भी आती है हमारे इंडियन में वो कोई भी ऐसा बाइक नहीं है जो 150 cc में इतनी टॉप स्पीड आपको मिले। और यही एक बाइक है यामाहा के तरफ से जिसमें आपको टॉप स्पीड जो है वो 150 cc में 150+ कहीं ऊपर जाता है। इसमें दो बेसिकली जितनी भी बाइक है हमारे इंडिया में वो 300 cc 250 cc की जितनी भी बाइकें आती हैं उसमें आपको देखने को मिल जाता है टॉप स्पीड इतना। बट ये यामाहा का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 150 cc में ही आपको काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। इसको राइड करने और चलाने का मज़ा ही काफ़ी अलग है। तो ये है यामाहा R15 का न्यू अपडेटेड कलर, और जो भी अपडेटेड इसमें मैंने आपको शो किया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।